नगर परिषद सायकेड़ा के सीएम हो श्री राजेंद्र शर्मा द्वारा आज चर्चा द्वारा अपनी बात कहते हुए अपना संदेश दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा आने के पहले नगर में साफ सफाई व्यवस्था का कार्य चल रहा है और पानी निकासी की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की जा रही है। अगर कोई नगर में कोई परेशान होता है तो मुझे तुरंत फोन करें। नगर परिषद सायकेड़ा आए हुए हैं हमारे सामने नगर परिषद सीएमओ श्री राजेंद्र शर्मा जी बैठे। शर्मा जी आपको ये बताएं कि नगर परिषद सायकेड़ा में दादा धुनी वाले के एक बहुत बड़ा मंदिर है, दूर दूर के हजारों की संख्या में गुरु पूर्णिमा के जो आने वाले गुरु पूर्णिमा हजारों भक्त नगर सायकेड़ा आते हैं, क्या व्यवस्था आपने नगर के लिए रखी है? नगर परिषद का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और इसमें हम जगह जगह श्रद्धालु लोग आते हैं, स्वास्थ्य के अपना टेंट वगैरह करवाते हैं, पानी की व्यवस्था वगैरह कराते हैं और जहाँ जहाँ वो निकलेंगे और सब जगह साफ सफाई की जितना टेंट वगैरह करवाएंगे और वहाँ पर जो उसमें आवागमन व्यवस्था है वहाँ पर हम बजरी गोदाम कराए करवा के गड्ढे खुले पड़े हैं कुछ हम करवा के बंद करा रहे हैं ताकि कोई भी गिरजा किया है उसको। ये जो पुराना मंदिर गढ़ी का मंदिर है, जो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों की साइड बहुत आने जाने में बहुत परेशानी है, क्या गुरु पूर्णिमा हुआ ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, मैंने इसके लिए स्पेशली चीजें बुलवाई है और वो गाड़ी मैंने मिट्टी और प्रॉपर करवाया है क्योंकि वो वहाँ से श्रद्धालु झंडे के निशान बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा निशान जीते हैं, इसलिए उस तरफ से भी पीछे साइड से भी व्यवस्था है दोनों साइड कोपरा और एक नया मंदिर है उस साइड भी आप वहाँ भी पूरी साफ सफाई व्यवस्था करा के वहाँ जहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा आने में? तत्काल पूरा क्या लेते हैं पहुँचा।